और अब आपको बताएंगे, नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट की भर्ती ताहुक्म सानी रोक दी गई है। हुक्म इम्तनाई जारी हुआ। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी से 25 नवंबर को जवाब तलब कर लिया गया है। जस्टिस फारूक इरफान खान ने शफकत परवीन की दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको बता रहे हैं, दरख्वास्त गुजार की जानिब से अख्तर सईद भट्टी एडवोकेट पेश हुए। कानून के मुताबिक सिर्फ बीएससी फिजियोथेरेपिस्ट को भर्ती किया जा सकता है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह कहा गया है, जबकि डॉक्टर शहजादा इफ्तिखार कॉन्ट्रैक्ट पर बतौर फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। महकमे ने मनपसंद डॉक्टर शहजादा इफ्तिखार को मुस्तकिल करने के लिए कानून में तब्दीली की। मेरिट के मुताबिक भर्ती करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई है कि मेरिट के मुताबिक भर्ती करने का हुक्म दिया जाए। आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट की भर्ती ताहुक्म सानी रोक दी गई है। हुक्म इम्तनाई जारी हो चुका। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी से 25 नवंबर को जवाब तलब किया गया। जस्टिस फारूक इरफान खान ने शफकत परवीन की दरख्वास्त पर समाअत की।